Hey guys, good morning and once again welcome back to my new vlog. So I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे and अभी हाँ सुबह का 9 बज चुका है तो अभी हम जल्दी करके ड्यूटी जाएंगे. ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी नहा कर आज ड्यूटी के लिए रेडी हो रहा था और अभी मैं यहाँ पे धूप पे बैठा था थोड़ा हेयर ड्राई करने के लिए, लेकिन अभी धूप तो गायब हो गया. आज का मौसम दिखाई देते हैं आप सभी को. ठीक है, अभी तक तो बहुत अच्छा था लेकिन देखिए आज भी वैसे ही एज यूजल बहुत फॉग है सोनादा में. एंड आप लोग देख सकते हो वो बैक व्यू में वो सोनादा मार्केट है. ठीक है, यहाँ से 1 किलोमीटर है. ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है और चलिए आज हम ड्यूटी की तरफ फिर एज यूजल चलते हैं. तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं. ड्रोन ल्याएको रहेछ. ड्रोनले मोबाइल बढाइ ल्यायो कि कसो के गरिगल्छ बङ यहाँ तल झरेर त हो ड्रोन झर्दैको गयो नि. त चले दोस्तो आजका धुप आजका मौसम त आप लोग देखिसक्थ्यो यार. ब्याकग्राउन्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज्यादा धुप है यार, बहुत ही ज्यादा. अभी मैं ड्यूटी से थोड़ा ऊपर आके यहाँ ग्राउंड पे बैठा हूँ. थोड़ा छाव है यहाँ पर, शीतल है और स्कूटी यहाँ पे साइड पे रख दिया है इसको. और यहाँ से मैं नीचे गांव में पैदल गया था तो इसीलिए थोड़ा स्वेट भी आ रहा है क्योंकि बहुत ही गर्मी है. तो अभी का मौसम ना कुछ ऐसा ही हो रखा है, कभी थोड़ी देर के लिए ठंडा होता है और थोड़ी देर के लिए फिर चेंज होकर फिर गर्मी बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये मौसम में ना बीमार पड़ने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, तो आप सभी लोग भी सतर्क रहे. ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर आनंद वाला हवा ले रहा हूँ. ठीक है, अच्छा वाला. तो अभी हम यहाँ से वापस मेरा ऑफिस जाऊँगा. ठीक है, तो ऑफिस जाऊँगा. ऑफिस जाने के बाद थोड़ी देर ऑफिस में भी काम होगा, तो उसके बाद मैं घर जाऊँगा वापस. तो यहाँ पर अभी मैं 5-10 मिनट के लिए सिर्फ रहूँगा, तो उसके बाद आप सभी को ऑफिस पहुँचते मिलेंगे. तो चलिए दोस्तों फिलहाल मैं ड्यूटी से वापस आ गए और मौसम तो देखिए, मौसम बारिश होने वाला है तो इसीलिए जल्दी जल्दी ये सभी कपड़ा को हम उठा देंगे. ठीक है, तो ये भी उठाएंगे और ये सब कपड़े हम उठाएंगे. घर पे कोई नहीं है तो इसलिए ये सब हमको ही करना पड़ेगा क्योंकि बारिश आएगा तो फिर सब भीग जाएगा. ठीक है, तो थोड़ी लो मैं ड्यूटी बड़ा आएर अपनी यहाँ पे हम अभी चाय के लिए पानी उमाल रहे हैं. ठीक है, तो सुसांग नाना पनि स्कूल बड़ा आयो. से हाय. की खाको? बिस्किट. कतिवटा? पाँचवटा. म चाय पकाइहाल्छु ल पर्ख. सो यहाँ पर है दूध और यहाँ पर है पानी उमल रहा है. ठीक है, तो चाय पत्ती कहाँ छ? चाय पत्ती रहेछ. हो ये पानी ना उमलने के लिए लगभग अभी 5 मिनट लग जाएंगे. ठीक है, 5 मिनट में ये पानी उमल जाएंगे तो इसके बाद हम सबसे पहले चाय पत्ती डालेंगे. ओके, तो चाय पत्ती डालने के बाद हम यहाँ पे शुगर भी डालेंगे. ठीक है, तो हम सब लोग बेसिकली शुगर का चाय पीते हैं तो इसलिए हम चीनी का चाय अच्छा वाला कड़क वाला पियेंगे. ठीक है, ये पानी उम्लिँदैछ हो कस्तो गरे भन्छ चायपत्ती हाल्नु पर्छ उम्लिन्छ त्यहाँदेखि सुगर पनि हाल्नु चिनी कम्ती रहेछ यो सबै हालिदिन्छु ल. प्लास्टिकमा पनि थिएन त है? हजुर. चम्मच कि त रे
केमा पनि खान्छ नि है खान्छ बोजुलाई बोजुलाई अ बोजुलाई पनि दिनु मामा ढिलो हुन्छ आज त पक्का चाय उमल रहा है गाइस तो अभी हम इसमें यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे ठीक है नहीं 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 सबसे पहले हम यहाँ पर अभी हम यहाँ पे दूध डालेंगे तो इतना मिल्क से तो हो जाएगा है ना ये मिल्क रख दीजिए उधर पे चाय उमल रहे तो हम ऐसे करके रखेंगे और इसको ऐसे चाय उम्ले पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ तार्नेमा चाहिँ मजाले तारेर चाहिँ टक्क भएपछि चाहिँ है एक भाँडा चिया भयो नि त अब चाहिँ फेरि आरावाली चाय चाहिँ नसम्झिनु होला हो के भएछ मम्स मम्स मंकी कसरी पेमा बी स्कुल चाहिँ अभी अभी आया तो के छ हो पढाइ अच्छा हो ओके गुड बॉय तो अभी ट्यूशन जाएगा ठीक है चाय पीने के लिए आना ठीक है ताला नहीं इधर मैंने अच्छा वाला चाय बनाया तो वाओ लो कैसे चल रहा है चाय बना दिया ना चाय दिया वो जो लाइट में बोलो ना बोलते नहीं ओके माम लाइट में दिया ना चाय बोलते हैं जो चली पेमाले कहाँ खान्छ अरे चाहिँ पेमाले यहीँ खाने कि तल खाने क्यों सुसङ्गालाई यो खो म यो खान्छु नै चिया खाउँ है अब जाडोको मौसममा हो घरमा गरम चाय बिस्किट बिस्किट खाँदैन होस् अब एकछिन टिभी हेर्नुपर्छ भाइ लुगा फेरिहाल्ला त्यहाँबाट ट्युसन जानु दुईजना टाइ खोल्दैन